हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग आज करेंगे, एनसीईआरटी 11th फिजिक्स यूनिट 3 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन का करते हैं सॉल्यूशन। और हमें आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग अपने बुक में इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और तब करेंगे इसका सॉल्यूशन। आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अ प्लेयर थ्रो अ बॉल अपवर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेयर है, एक बॉल को कैसे ऊपर की ओर फेंकता है 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो ए में कहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। देखो सबसे पहले आप यह देखें कि यहां पे यह मान लो कि ग्राउंड है, यह क्या है बच्चों, ग्राउंड है। और यहां से एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है अपवर्ड, और ए इक्वल टू कितना दिया है 29.4 मीटर पर सेकेंड। अब कंडीशन पढ़ो, ए नंबर में क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशंस ऑफ द बॉल। ये पहला है एक्सेलरेशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कहा है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि जब भी हम किसी बॉल को ऊपर फेंके या नीचे बॉल आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए का वैल्यू जिसको बोलते हैं ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, इसको आप ऐसे लिखिएगा ए इक्वल टू क्या होता है जी, और यह कैसा होता है डाउनवार्ड होता है, डाउनवार्ड वहां पर दिख रहा है सबको। ओके, तो यहां पे एक्सेलरेशन कैसा होगा, डाउनवार्ड होगा। बॉडी चाहे ऊपर जाए या नीचे आए एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवार्ड ही होगा। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा डाउनवर्ड, यहां पे लिखेंगे हम लोग डाउनवर्ड, ए नंबर। अब आइए बी पढ़ते हैं, बी में कहा है कि व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। देखो जब यह बॉल ऊपर चल जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, मान लो कि यहां पे आ गया या इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो होता क्या है कि जैसे बॉल ऊपर जाता है ना तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता है। क्यों कम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगता है और वेलोसिटी क्या होगा धीरे धीरे कम होते जाता है, और कम होते होते यहां पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाता है मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम पॉइंट पर, इसी को हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो इस पॉइंट पर भी का वैल्यू कितना हो गया जीरो, तो कहेंगे कि एट हाईएस्ट पॉइंट भी बराबर कितना होगा जीरो। अच्छा, इस पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन कैसे होगा डाउनवर्ड होगा, तो हम कहेंगे कि ए बराबर कितना होगा जी, और यह कितना होगा बच्चों डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड आप सभी को याद है कितना होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो बी नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं, यही पूछा है हमसे कि व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशंस। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर सी को पढ़ते हैं, यह थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो कहा है कि चूज द एक्स इक्वल टू जीरो मीटर एंड टी इक्वल टू जीरो सेकेंड टू द लोकेशन एंड बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। क्वेश्चन कहा, अब सी की बात कर रहे हैं, मान ली ऐसा यह ग्राउंड है और यह क्या है हाईएस्ट पॉइंट है, यह क्या है बच्चों हाईएस्ट पॉइंट है और यह आपका ग्राउंड है। यहां पे कहा कि आप मानिए कि x इक्वल टू कितना है जीरो,
और टी इक्वल टू जीरो, मतलब कि टी इक्वल टू जीरो पे हाईएस्ट पॉइंट को एक्स इक्वल टू जीरो इसने मान लिया। अब उसके बाद पढ़ो, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, यह इंटरेस्टिंग है। डाउनवर्ड को मतलब कि इस डायरेक्शंस को बच्चों इसने क्या माना है, पॉजिटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन को क्या माना है इसने, निगेटिव माना है। लिखा है स्पष्ट है, वर्टिकली डाउनवर्ड टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड गिव द साइन ऑफ पोजिशन velocity and acceleration of the ball during the upward motions and downward motions। आपसे कहा कि downward को plus मानिए, upward को minus मानिए, और उस condition में आप velocity के बारे में बताइए, position के बारे में बताइए और acceleration के बारे में बताइए कि कब positive होगा और कब negative होगा। तो पहले तो हम बात कर रहे थे बच्चों upward motion में, upward मोशन में कहा है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों कहा है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखो कि यह क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो यहां पे और टी इक्वल टू जीरो, तो बॉडी का जो मोशन होगा बच्चों वह क्या होगा, ऊपर में ही होगा हमेशा, तो एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतना क्लियर, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सेकेंड देखो, अब कहा है कि भी बताइए क्या होगा अपवर्ड मोशंस में, तो भी इक्वल टू यानी वेलोसिटी, अगर बॉडी को देखो नीचे से हम ऐसे फेंकते हैं ऊपर की ओर ऐसे जाएगा, तो भी का डायरेक्शन कैसे होगा, निगेटिव होगा ना, तो यह क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। एक्सेलरेशन कैसा रहता है, ए का वैल्यू जो जी के बराबर है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है ऐसे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नहीं आया समझ में, अरे मेरे प्यारे बच्चों, भाई ए जिसको हम एक्सेलरेशन कह रहे हैं, जी बोल रहे हैं, वह कैसे होता है, डाउनवर्ड होता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है ना, इसलिए इसको लिखेंगे पॉजिटिव। बॉडी चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, और डाउनवर्ड को क्या कहा गया है, पॉजिटिव कहा गया है, इसलिए क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ओके चलिए, यही पूछा हुआ था, फिर पूछा है हमसे कि अगर डाउनवर्ड मोशन होगा तो क्या होगा, फॉर डाउन वार्ड मोशन। अब देखो डाउनवर्ड का मतलब होता है कि बॉल ऊपर से नीचे गिरे, देखो ध्यान से, तो भी का वैल्यू यानी बॉल यहां पे पहुंच गया और उसके बाद से ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे, तो बताओ वेलोसिटी कैसे होगा, डायरेक्शन क्या होगा वेलोसिटी का, पॉजिटिव होगा, हम कहेंगे पॉजिटिव। और ए का डायरेक्शन ए भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि तो ये तो ऑलवेज डाउनवर्ड होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मान लिया गया है, पॉजिटिव, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इतना में किसी को दिक्कत नहीं, ए बी और सी आपको क्लियर हो गया। आइए अब देखते हैं डी नंबर, टू व्हाट हाईएस्ट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, ठीक है, और जी का वैल्यू 9.8 का है लेने के लिए, एयर का रेसिस्टेंस भी नेगलेटेड है, इसको हम मिटाते हैं बच्चों और डाटा जो है वो सब आपके सामने है, इसको मिटा देते हैं, सिर्फ आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर डी, देखो कह रहा है कि बॉल को ऐसे ऊपर की ओर थ्रो किया गया और U इक्वल टू दिया हुआ है कितना से, दिया हुआ था बच्चों 29.4 मीटर पर सेकेंड से। तो पूछा है कि व्हाट हाईएस्ट हाइट डज द बॉल राइज, मतलब कितने हाइट तक, तो मान लो कि यहां तक आता है बॉल, यहां पे आएगा तो भी क्या हो जाएगा, जीरो,
और यहां से यहां तक के हाइट को हम एच मान लेते हैं, यह मैक्सिमम पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाता है, और वेलोसिटी जीरो होगा तो इसके लिए हमें एच का वैल्यू निकालना है। अब आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ओके, चलिए अब इसी फॉर्मूला पे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको माइंड में यह रखना है बच्चों कि आप डायरेक्शन को कैसे चूज करते हो। तो जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं हो डायरेक्शन लेने के लिए, तो हम मानेंगे इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव अपने मन से। आप चाहें तो इसको भी मान सकते हैं, लेकिन जनरल जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग प्लस इसको, इसको माइनस मानना। अब बताओ ये बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है तो यू का वैल्यू प्लस होगा कि माइनस, तो प्लस होगा, दिख रहा है ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है। ओके, यहां से यहां तक जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम कहेंगे यहां से कि एस इक्वल टू हो जाएगा प्लस में एच। ओके, यू का वैल्यू हमको दिया हुआ है और ए इक्वल टू कितना होगा, ये तो जी के बराबर होता है लेकिन डायरेक्शंस क्या होगा, देखो डाउनवर्ड होता है ना, जी कैसा होता है डाउनवर्ड, तो माइनस में लिखेंगे, दैट मीन्स माइनस में 9.8 लिखेंगे। अब सभी वैल्यूज में पुट कर देंगे, इसलिए भी तो जीरो है तो जीरो का स्क्वायर करो, यू तो यू का वैल्यू कितना है 29.4 का स्क्वायर, अब प्लस टू इंटू यहां देखो ए का वैल्यू कितना है माइनस में 9.8 इंटू एस, एस का वैल्यू कितना है बच्चों एच, इसको लाएगा इधर तो माइनस में 29.4 इंटू 29.4, दो बार है तो दो बार लिख देंगे स्क्वायर है, इक्वल टू या माइनस में 2 इंटू 9.8 इंटू एच। अब यहां से सोल्व कर लो, एच का वैल्यू निकालोगे या माइनस माइनस कैंसिल, ये आएगा 29.4 इंटू 29.4, अब बट्टे में हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 9.8 इतना आएगा। देखिए तो इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 44.1 मीटर, या तो यह हो जाएगा इसका मैक्सिमम हाइट, यानी इस हाइट तक बॉल क्या होगा जाएगा। ओके चलिए, अब इसी में बी नंबर में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, तो ये तो हो गया इसका आंसर, एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, करा कि छोड़ने के कितने देर के बाद बॉल प्लेयर के हैंड में चला आता है, मतलब कि यहीं पे चला आए। ओके चलिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से यहां तक जाने में लगा हुआ टाइम निकाल लो टी वन, और जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है, याद रखिएगा जितना टाइम जाने में उतना ही टाइम उसी पॉइंट तक आने में लगता है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल टाइम बराबर, टोटल टाइम का मतलब है कि जाने और आने का टाइम, तो कितना हो जाएगा टी वन प्लस टी वन, तो कितना चला गया यहां से 2 into T1। अब T1 का मान निकाल देंगे या इसमें रख देंगे तो हमको टोटल टाइम निकल जाएगा, देखेंगे यहाँ पे बट T1 कैसे निकालोगे, तो यहां से यहां तक लगा दो फर्स्ट इक्वेशन, V इक्वल टू यू आर प्लस एटी होता है, यहां से यहां तक फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इक्वल टू यू का वैल्यू दिया हुआ था 29.4 प्लस ए कितना है माइनस में 9.8 इंटू यहां से टी वन, तो टी वन का वैल्यू चला आएगा 29.4 बट्टा 9.8,
ये आएगा तो माइनस में, ऐसे डिवाइड करेंगे तो माइनस में कट जाएगा। चाहो तो आप माइनस रख के काट दो, बात एक ही होता है। तो यहाँ से t1 इक्वल टू चला आएगा कितना आएगा, 3 सेकेंड आएगा। तो t1 का वैल्यू कितना निकल गया, 3 सेकेंड दिख रहा है वहां पे, ओके। इसलिए इसलिए टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 i into t1, यहाँ पे t1 का वैल्यू 3 है, ये चलाएगा 6 सेकेंड, ये चलाएगा। तो यह आपका रिक्वायर्ड टाइम है, जितने टाइम में बॉल प्लेयर के हैंड से ऊपर भी जाएगा और लौट के चलाएगा 6 सेकेंड के बाद। तो क्लियर है इतना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं बच्चों, ठीक है। इसलिए क्या है कि आप अपने फ्रेंड में इसे शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अपने ग्रुप्स में इसे शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।